घर में बैठे हुए अपना एक खुद का छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ अपना घर बैठे हुए ऑनलाइन कारोबार शुरू कर सकते हैं। दराज और मरकज ऐप का आप इस्तेमाल करते हुए छोटा सा ऑनलाइन कारोबार शुरू कर सकते हो। इनको अगर आपको इस्तेमाल करना नहीं आता, दराज क्या चीज है या मरकज ऐप क्या चीज है, तो आपको मैं इनका इस्तेमाल करना भी बताऊंगा और इनको इस्तेमाल करते हुए आप कैसे अपना कारोबार शुरू कर सकते हो वो भी आपको बताऊंगा। और इंशाल्लाह आप अगर इस काम को करते हो तो आप मंथली 60,000 रुपए तक अर्न कर सकते हो, जो कि इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको सारे स्टेप्स गाइड करूंगा कि आपने कहाँ से क्या चीज उठानी है और कहाँ पे लगानी है, किस तरह से आपने स्टोर अपना क्रिएट करना है, कहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होगी, सारा कुछ आपको गाइड करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपकी जिंदगी बदल सके, क्योंकि अपना कारोबार शुरू करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नौकरियां और जॉब जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप इस काम को स्टार्ट करते हो तो इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप मंथली 60,000 रुपए तक अर्न कर सकते हो। तो चलिए, इस काम को आपने किस तरह स्टार्ट करना है वो मैं आपको वीडियो की डिटेल के अंदर सारा कुछ बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आप मुझे पहली दफा देख रहे हो, मेरे चैनल पर पहली दफा आए हो, तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की ऑनलाइन अर्निंग आइडिया आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और इस काम को सीखते हैं। यहाँ पे मैं मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब आपकी जो पूरी तवज्जो है वो यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पर होनी चाहिए। मैं आपको जो स्टेप्स बताऊँगा आपने सेम उसी तरह स्टेप्स को करना है, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने इन चीज़ों को पहले ही अलग कर लिया ताकि आपको डिटेल के साथ अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपने प्ले स्टोर के अंदर जाना है और इन दोनों ऐप्स को डाउनलोड कर लेना है। कौन कौन से ऐप? दराज जो शॉपिंग ऐप है आपने इसको डाउनलोड करना है। दराज ऑनलाइन शॉपिंग ऐप को आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और मरकज़ ऐप के नाम से भी एक आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। ये दोनों प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आपने इन दोनों को डाउनलोड कर लेना है। दराज शॉपिंग ऐप, दराज सेलर ऐप आपने नहीं करना, दराज शॉपिंग ऐप आपने डाउनलोड करना है और साथ में आपने मरकज़ ऐप को डाउनलोड करना है। इन दोनों पे हमने जो है यहाँ पे काम करना है ताकि हम जो है यहाँ पे अर्न कर सकें। अगर आप चाहें तो दराज की ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हो या आप जो है daraz.pk को गूगल के भी ओपन कर सकते हो। गूगल पे जाकर daraz.pk लिखेंगे तो आप उसकी वेबसाइट को भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वेबसाइट जो है वो जो है दराज की ऐप अप्लीकेशन से ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा जल्दी चलती है, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे आप आकर आपने लिखना है, daraz.pk को ओपन कर लिया, यह देख सकते हैं आपके सामने भी इस तरह से दराज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके पास ओपन हो जाएगी। एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझते आइएगा ताकि आपको जो है काम करने में मुश्किल ना हो। यहाँ पे देख सकते हैं आपको काफी सारे प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सबसे पहले काम किस तरह करना है। यहाँ पे नीचे देखे तो आपको अकाउंट का एक बटन नजर आ रहा है, आपने इस अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे देखे इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे लॉग इन एंड साइन अप का बटन मिल जाता है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे हमने अकाउंट किस तरह बनाना है, ये देखिए लॉग इन आपको बटन नजर आ रहा है, साथ में आपको साइन अप का बटन नजर आ रहा है, आपने साइन अप वाले बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप जो है फोन नंबर देंगे और यहाँ पे वेरिफिकेशन आपकी होगी और कंटिन्यू कर सकते हैं, या आप गूगल के साथ इसका अकाउंट बनाना चाहें तो गूगल के साथ भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गूगल के साथ इसको अटैच कर लेता हूँ ताकि जल्दी से हम इस पर काम करना स्टार्ट कर सकें और आपका अकाउंट यहाँ पे जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरे नाम से, हमजा के नाम से जो है अकाउंट बन चुका है। इस तरह से आपने एक अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या करना होगा, आपको बैक का बटन नजर आ रहा है, आपने इस बैक वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्रोम पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे जैसे आप बैक कर देंगे आपके सामने फिर से इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब जो है दराज पे आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली बन चुका है। अब हमने क्या करना होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब इसको बैक कर देंगे। जैसे मैं इसको बैक कर दूंगा, अब जो है नेक्स्ट हमने क्या करना होगा, अब यहाँ पे देखें आपको जो है अब आपने मरकज ऐप पे अकाउंट बनाना होगा। मरकज ऐप पे अकाउंट बनाना बहुत आसान है, इस पर आपने जस्ट क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हो, जैसे ही आप मरकज ऐप को पहली दफा ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें आपको इस तरह से कुछ चीजें यहाँ पे नजर आती हैं, लेकिन हमें इन चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए ऊपर आपको स्किप का बटन नजर आ रहा है, आपने स्किप वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फिर से आपने एक मरतबा स्किप वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखें हमने स्किप कर दिया, स्किप करने के बाद अब यहाँ पे आपके पास इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, आपने एक एक चीज़ को अच्छे से तवज्जो के साथ समझना है। पांच ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, आपने यहाँ पे भी प्रोफाइल वाले बटन पे क्लिक कर देना है। प्रोफाइल वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी आपको अकाउंट बनाना होगा। यहाँ पर देखिए साइन इन लिखा हुआ है, आपने इस साइन इन वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना नंबर डालना है, जो भी नंबर आप देंगे उस पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आपने यहाँ पर इंटर करना है, उसके बाद आपका अकाउंट यहाँ पर बनेगा।
जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नंबर लगाता हूँ और वेरीफाई करता हूँ, उसके बाद हमने कुछ चीज़ें डालनी है वो आपने अच्छे से देख लेनी है। वेरीफाई कर लेंगे, OTP वेरीफाई करने के बाद आपके पास इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे देखिए चूज जेंडर, आप अगर मेल हैं तो आपने मेल सेलेक्ट करना, अगर फीमेल हैं तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं मेल हूँ तो मैं मेल को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपने जो है अपनी एज सेलेक्ट कर लेनी है, जो आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद जस्ट डन पे क्लिक करना है। प्रोसेस करने के बाद आपका इस तरह से अकाउंट जो है यहाँ पे भी बन जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए अभी आपका फिलहाल हर चीज़ आपको जीरो नजर आएगी। इस तरह से आपने अकाउंट बना लेना है और यहाँ पे कुछ भी अभी आपने नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, फिर से आपने यहाँ पे इसको भी बैक कर देना है। हमने दोनों चीज़ों पे अकाउंट बना लिया है, दराज पे भी और मरकज ऐप पे भी। अब हमने क्या करना होगा, अब यहाँ पे आपने फिर से एक मरतबा जो है आपने आना है गूगल के अंदर। गूगल में आने के बाद आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है मरकज ऐप। मरकज ऐप सर्च करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे देखें आपको इस www.markaz.pk आपको नजर आ रहा है, इस पे आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह से एक ब्लॉग इनका ओपन हो जाएगा, मरकज ऐप वालों की वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी आपके सामने यहाँ पे इस तरह से। ये देख सकते हैं आपके पास इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए आपको ऊपर जो है थ्री डॉट नजर आ रहे हैं, आपने इस थ्री डॉट वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपको पांच छह ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आपने सबसे नीचे वाला जो है बिकम अ सप्लायर आपने इस पर क्लिक कर देना है। बिकम अ सप्लायर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखें हमारे पास वेबसाइट जो है वो इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है मरकज सप्लायर बने, नीचे आना है। यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी डालनी होगी। यहाँ पे देखें नाम, यहाँ पे जीमेल, अपना फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे व्हाट्सएप वाला फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे डालना है, बिजनेस नेम डालना है। इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल के साथ एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप वो देखना चाहें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप डिटेल के साथ देख सकते हो कि इनको आपने किस तरह फिलआउट करना है। यहाँ पर मैं आपको सिंपली थोड़ा थोड़ा बताता जाऊँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। यहाँ पर देखें बिजनेस नेम आपने डाल देना है, सिटी डाल देनी है, एड्रेस डाल देना है, सप्लायर टाइप, मेन कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, इस तरह से ये सारी डिटेल्स आपने फिल कर लेनी है। इस तरह से आपने ये वाली सारी डिटेल्स डालते आना है। ये देख सकते हैं आप इस तरह से स्टोर का जो है आपने पिक्चर भी डाल देनी है। स्टोर पे पिक्चर डालने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहाँ पे इस तरह से आपने यहाँ पर आकर इसको सबमिट कर देना है। सारी चीज़ें डालने के बाद आई एग्री पे आपने क्लिक कर देना है, यहाँ पे टिक लगा देना है, उसके बाद यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है। ये इस दरख्वास्त सबमिट करने के बाद एक ही हफ्ते के अंदर जो आपने यहाँ पे ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, व्हाट्सअप नंबर पे आपसे ये मरकज़ ऐप वाले रब्ता करेंगे। आपने उनको यहाँ पर जो सारी डिटेल्स डाली होंगी उसको कन्फर्म करना है। उसके बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखें इस चीज़ को आपने बंद कर देना है और यहाँ पे मरकज़ ऐप के ऊपर आपने आ जाना है। फिर से मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, उसके बाद हम दराज पे चलेंगे और बाकी काम यहाँ पे हम करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे होम पे क्लिक कर लिया, मरकज़ ऐप को ओपन किया। मरकज़ ऐप के ऊपर ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने होम पे क्लिक किया। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाऊँगा तो ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो है सारे स्टोर्स नज़र आ रहे हैं, ये स्टोर आपको नज़र आ रहे हैं। इस तरह से मैं आपको इस एक स्टोर को ओपन करके दिखाता हूँ कि ये क्या किस तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करता हूँ इस पिक्चर पे और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाऊँगा और यहाँ पे आपको एक ये देख सकते हैं विजिट शॉप लिखा हुआ है, ई शॉप के नाम से यहाँ पे एक शॉप बनी हुई है, यहाँ पे एक स्टोर बना हुआ है। विजिट शॉप पे क्लिक करूँगा, जैसे विजिट शॉप पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखें कि इन्होंने जो है एक ही कैटेगरी के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं। ये देखिए सारा ज्वेलरी वगैरह ये जो है यहाँ पर डाल रहे हैं, ज्वेलरी पिक्चर वगैरह यहाँ पर डाल रहे हैं और इस तरह से ये देख सकते हैं सारी एक ही कैटेगरी है। यहाँ पर मेरा दिखाने का मकसद है कि ये यहाँ पर एक शॉप बनी हुई है ई शॉप के नाम से और यहाँ पे एक ही कैटेगरी के अंदर ये काम कर रहे हैं। ये देखें ये कैटलॉग भी इनके बने हुए हैं, कैटलॉग भी और जो है इसी से आइटम्स भी आपने यहाँ पे इन्होंने डाले हुए हैं एक ही किस्म के। यहाँ पे एक ये चीज़ आपको दिखाना ज़रूरी था कि एक ही किस्म के ऊपर ये काम कर रहे हैं। अब ये देख लिया आपने यहाँ पर एक स्टोर बना हुआ है, उन्होंने ये स्टोर इन्होंने किस तरह बनाया, जो मैंने अभी आपको पीछे तरीका बताया कि आपने डिटेल्स डालनी है और एक ही हफ्ते के अंदर जो है आपको जो मरकज़ ऐप वाले आपसे रब्ता करेंगे और उनको आपने ये कन्फर्म कर देना है कि हम जो है यहाँ पे शॉप क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे आकर इस तरह से शॉप क्रिएट कर पाओगे, ऑटोमेटिक जो है आपका मरकज़ ऐप वाले एक स्टोर क्रिएट कर देंगे, आपकी आप जो 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 डिटेल आपने डाली होगी उसी के मुताबिक यहाँ पे आपका एक स्टोर बन जाएगा और आपने यहाँ पर प्रोडक्ट्स डालने होंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से लोग प्रोडक्ट डाल रहे हैं एक ही किस्म के। अब यहाँ पर आपने प्रोडक्ट्स लेने कहाँ से हैं वो आपको बताता हूँ, प्रोडक्ट्स यहाँ पे किस तरह से हमने प्रोडक्ट लेने हैं, कहाँ से लेने हैं और यहाँ पे ऐड किस तरह करने हैं। इसको मैं बैक करूँगा, यहाँ पे इसको बंद करूँगा और जो हमने मरकज़ आप यहाँ पे दराज पे जाना है। दराज पे जाने के बाद यहाँ पे दराज को वेबसाइट को मैंने ओपन कर लिया या आपने दराज की एप्लीकेशन में आ जाना है। यहाँ पर हमने अकाउंट बना लिया था, अब अकाउंट जो हमने बना लिया था उसके अंदर जो है हमने यहाँ पर जो है प्रोडक्ट्स यहाँ पर सस्ती थोड़ी सी मिल जाती है हमें, प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर सस्ती प्रोडक्ट्स मिलती हैं। मरकज़ ऐप के ऊपर हम अपनी मर्ज़ी की प्राइस लगा कर वहाँ पर जो है रिसेलर सेल आउट करेंगे। आपने जस्ट यहाँ पर जो है यहाँ से प्रोडक्ट्स आपने उठाने हैं
और मरकज ऐप की अपने स्टोर के ऊपर लगा देने हैं। किस तरह लगाने सारा कुछ बताता हूँ। और वहाँ पे जो है आपने खुद सेल आउट नहीं करने, वहाँ पे रिसेलर्स काम करते हैं। रिसेलर आपकी पिक्चर्स को, आपके प्रोडक्ट्स को उठाएंगे और सेल आउट करेंगे, वो अपना कमीशन रखेंगे, लेकिन आपको जितनी भी यहाँ पे प्राइस रखी होगी वो आपको मिल जाएगी। आपके पूरे के पूरे प्रोडक्ट के जो पैसे हैं वो आपको मिल जाएंगे। रिसेलर को जो मिलेगा वो आप वो अपना प्रॉफिट रखेगा अपने प्रोडक्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से एक चीज़ एक प्रोडक्ट उठाया, पर आपने अपना जितना मार्जिन रखना चाहे वो भी रख सकते हैं, और जो है अपना जो है जो रिसेलर है वो भी अपना मार्जिन रखेगा और इस प्रोडक्ट को सेल करेगा। लेकिन आपको यहाँ पे अब थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करना होगी। किस तरह इन्वेस्टमेंट करना होगी वो आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो आपको मोबाइल्स की एसेसरीज मिलती हैं या मोबाइल के रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं, या जिस तरह है ट्राईपॉड होता है, या इस तरह से आपको कवर्स वगैरह मिल जाते हैं, या आप इस कैटेगरी पे अगर आप काम करना चाहते हो तो आपने एक ही कैटेगरी में रहना है और उसी पे काम करते रहना है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है वो बेचना चाहते हैं तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पे देखें, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास हेडफोन है, तो अगर आप इस कैटेगरी पर काम करना चाहते हो तो आपने सेम इसी कैटेगरी को लेकर आगे लंबे टाइम तक चलना है, ताकि आपका स्टोर का जो है वो मरियार जो है वो बरकरार है। अब यहाँ पे इसको पिक्चर्स आपको सारी मिल जाती हैं, आपने इसकी पिक्चर्स को डाउनलोड कर लेना, जितनी भी यहाँ पे पिक्चर अवेलेबल हैं आपको इसको आपने डाउनलोड कर लेना। पिक्चर्स को डाउनलोड करना बहुत ही इजी है। यहाँ पे इस पर क्लिक करके रखेंगे, यहाँ पे इमेज डाउनलोड का आपको बटन नज़र आता है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है पिक्चर्स को। जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लोगे, यहाँ पे देखें ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पे 1000 फॉर एग्जाम्पल 1000 का मिल रहा है, तो आपने इसको ऑर्डर करना है। यहाँ से आपने इसको ऑर्डर कर लेना है, यहाँ पे बाय नाउ लिखा हुआ है, बाय नाउ पे क्लिक करके आपने इसके 10 से 15 पीस या 50 पीस आपने एक ही चीज़ के मंगवा लेने हैं, अपने पास रख लेने हैं। या बाय नाउ का बटन नज़र आ रहा है, आपने इस प्रोडक्ट को मंगवा कर अपने पास रख लेना है, और मरकज़ वाले आपसे जब रब्ता करेंगे तो आपने उनको प्रोडक्ट दिखा देनी है कि हमारे पास इतनी प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो आपके स्टोर पे आपने खुद जो है उस पे लगानी है। और इसी तरह की सेम कैटेगरी के आपने 10 से 15 और पीस प्रोडक्ट का बाय कर लेने हैं, और इसी रिलेटेड कुछ और जो प्रोडक्ट्स हैं आपने इसको तकरीबन आपने 40 से 50 जो है प्रोडक्ट को यहाँ पे अपने पास मंगवा लेना है, अपने घर पे मंगवा लेना है। जितने मर्जी आप प्रोडक्ट मंगवाना चाहें, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप ज़्यादा कर सकते हो, कम इन्वेस्टमेंट है तो आप कम से भी स्टार्ट कर सकते हो, 10,000 से भी आप ये काम स्टार्ट कर सकते हो इसीलिए। तो आपने यहाँ पे दराज से प्रोडक्ट जो है वो मंगवा लेनी है अपने घर पर, और अपने घर पर मंगवाने के बाद आपको वहाँ पर जो स्टोर अवेलेबल किया जाएगा दिया जाएगा मरकज़ ऐप की तरफ से, उस पर आपने यहाँ से पिक्चर्स उठा के इसी की सारी डिटेल्स आपने कॉपी करके वहाँ पे अपने स्टोर के ऊपर इस प्रोडक्ट को लगा देना है। यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ, यहाँ पे जो है आप यहाँ इसी मरकज़ ऐप के ऊपर आप अपनी पिक्चर्स को अपलोड नहीं कर पाएंगे, इसका एक अलहदा ऐप आया वो अब मैं आपको बता देता हूँ। उस ऐप के ज़रिए जब आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, जब आपका यहाँ पे सेलर अकाउंट बन जाएगा, सप्लायर अकाउंट बन जाएगा, तो उसके बाद आपको एक अप्लीकेशन जो है मरकज़ ऐप वाले खुद बताएँगे, आपने उस मरकज़ ऐप उसकी उस अप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर मैं उस मरकज़ ऐप के आपको दिखा देता हूँ, मरकज़ सप्लायर अकाउंट, आपको मरकज़ का भी सप्लायर अकाउंट मिल जाता है। इसको एप्लीकेशन जब आपका स्टोर बन जाएगा तो मरकज़ ऐप वाले खुद आपको बताएंगे कि मरकज़ का सप्लायर अकाउंट आप डाउनलोड कर लें। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पे आपने प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। यह सप्लायर अकाउंट दे दिया जाए तो आपने इस सप्लायर अकाउंट को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर देखें, पिक्चर्स के अंदर भी बताया गया है कि यहाँ पर आप अपना जो है जितना भी स्टॉक है वो मैनेज कर सकते हो, और यहाँ पर यहाँ मेन सेल्स को मैनेज कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको इस ऐप के अंदर आपने प्रोडक्ट को अपलोड करना होगा, और आपका जो है जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे वो वहाँ पे नज़र आएंगे आप मरकज़ ऐप के ऊपर, और रिसेलर आपकी जो है प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे और आपको इसके अंदर अर्निंग होगी अपने पैसे, वो भी आप यहाँ पे इजी पैसा जैज कैश के अंदर, ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं इजी पैसा जैज कैश के अंदर आप अपनी जो है अर्निंग भी निकलवा सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली तमाम ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।